हेलो दोस्तों, मैं बीनू सिंह और आज हम निकल रहे हैं ताम्बरम के लिए, जहां पे हमारे कस्टमर श्री एएस मूर्ति जी ने 2015 के बाद डिसाइड कर लिया था कि उनको सोलर पे शिफ्ट होना है और अब उनका ये सपना पूरा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आज एएस मूर्ति जी से ताम्बरम में। तो दोस्तों, इस समय हम एएस मूर्ति जी के घर पे हैं। एएस मूर्ति जी काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और पूरी दुनिया घूम चुके हैं और पूरी दुनिया घूमने के बाद अब वो यहाँ ताम्बरम में सेटल हैं, तो उनसे मिलते हैं। एएस मूर्ति जी, स्वागत है आपका लूम सोलर के यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते जी। सर, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे हम। माय नेम इज एएस मूर्ति। आई स्टडी इन चेन्नई ओनली कॉलेज। After that, I worked abroad. I worked in Indian Airlines all over India. Then I went to Saudi Arabia. I was working in the airline. And since I was in the airline industry, I had to go to all the important places of the world where the courtesy of the airline and that is called FAM courses, familiarization courses. उसके लिए जाना पड़ेगा और टूरिस्ट प्रमोट करने के लिए वो भी जाना पड़ेगा। आई वाज देयर। उसके बाद रिटायर होने के बाद इंडिया के आगे सेटल हो गए चेन्नई में। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी सोलर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। 2015 में यहाँ चेन्नई में इतना बड़ा एक तूफान लग के झाड़ तमाम गिर के पावर ने से 7 दिन बिल्कुल पीने के पानी नहीं है, नहाने के पानी नहीं है। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप आज के डेट में सोलर से क्या क्या चला रहे हैं। मेरा घर का लाइट और मेरा बोरवेल पावर सप्लाई वो भी हो रही, और 2 टीवी चल रही हमेशा। 2 टीवी मेरा खास, एक टीवी और मेरी वाइफ मदर के उनका, मेरी सास माँ के लिए उनका अलग टीवी, वो भी चल रहे। उन लोग अलग अलग कनेक्शन है, वही चल रही। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से चल रही। सर, आपने 3 किलोवाट ही क्यों चूज किया? कम से कम एक 7 लाइट 8 लाइट चाहिए, 4 फैन हमेशा चलना चाहिए, 2 टीवी चलना चाहिए, मेरे को पानी की बोरवेल का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए बोरवेल का पानी सोलर पावर 3 केवी डाल दिया। सर, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा? सिविल वर्क स्तंभ मिलके मेरे को 2.5 लाख हो गया। और पैनल, इन्वर्टर, बैटरीज और इन्वर्टर का कनेक्शन और पैनल स्टैंड भी वो भी लगाया। उसमें सिविल वर्क भी उन लोगों ने इंक्लूड किया। सिविल वर्क से मैं अलग पैसा नहीं दिया। अच्छा, वही सब। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, सर का पूरा घर जो है वो सोलर पे चल रहा है और सोलर से ही इनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। और ये ग्रिड से इतने मतलब नाखुश थे यहाँ पे कि इन्होंने ग्रिड कनेक्शन पूरी तरह कटवा चुके हैं। ये किस प्रकार बहुत ही नाइसली यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है। सीरीज में इंस्टॉल किए गए हैं पैनल्स और नीचे से देखिए, इन्होंने छत के ऊपर फिक्स नहीं किया है इसको, बल्कि ये नीचे से एक मजबूत पोर्शन बना के उसके ऊपर पैनल स्टैंड लगाया गया है। और इस पूरे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हमारे डीलर हैं मिस्टर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग जी से मैं आपको मिलाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे 375 वाट के मोनो पैनल जो है, 9 पैनल लगाए गए हैं और इसके साथ में 3.75 kVA का इन्वर्टर है और इसके साथ 150 AH की 4 बैटरियाँ हैं। So welcome Mr. Blessing. Yeah, welcome sir. So we want to take your short introduction. This is Blessing, doing Loom Solar dealer in Chennai. So how you got this order, sir? Through internet, he referred my number and called me, sir. Okay. So what was the requirement here?
Yeah, here sir told you except the heater and the AC, remaining things we need to run by solar. So we designed the structure, 3 kilowatt structure. Please tell us the specification of this solar system. And this is 375 watts Loom solar panel, 9 numbers, and inverter is 3 kilowatt, and battery is 150H, 4 number, used here. सर सोलर का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? सर बहुत प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है सोच रहा हूँ, और इंडिया का सोलर पावर इतना ज़्यादा है हमेशा, मतलब सब इंडिया में सोलर पावर में चल रहे तो इंडिया काफ़ी बच सकता है, एनवायरमेंटल सेफ्टी भी हो सकती है, अगर काफ़ी अच्छा है सोलर पावर से। हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया साहब, इंटरव्यू दे दिया, बहुत शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज AS मूर्ति जी, जो कि ताम्बरम में रहते हैं, और आज की डेट में ये पूरी तरह सोलर पे निर्भर हैं, सोलर से ही इनका पूरे घर की बिजली चलती है, सोलर से ही इनका वाटर पंप चलता है, और सोलर से ही ये सारे काम करते हैं। और आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी सोलर पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप ये वीडियो यदि फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।